हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में इंडिया पोस्ट GDS के फॉर्म के बारे में दोस्तों बात करें, जब भी आपके हाल ही में आए हुए हैं। गाइज, आपको ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है और गाइज इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी और गाइज इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर पाएंगे, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो गाइज आपको वीडियो स्किप नहीं करना, आपको वीडियो पूरा देखना है। और आप फ्रेंड्स, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो गाइज आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मैं अगर जैसे समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। ठीक है, या आपको फिलअप करना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ना लिखे गाइज, आप सरकारी रिजल्ट दिख लीजिए ओनली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, नीचे देखिए सरकारी रिजल्ट ऑनलाइन फॉर्म। तो गाइज आपको इस साइट पे आ जाना है, तो मैं साइट पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स पे गाइज जो वैकेंसीज आई है अभी हाल ही में करंट में आई है, मैं आपको नहीं सबसे पहले दे रहा हूँ गाइज, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो गाइज आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जब भी फॉर्म निकलते हैं मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ दे देता हूँ फॉर्म के बारे में। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपके एप्लीकेशन फीस की बात करूँ मैं, इसमें आपके जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज फीस रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए SC ST कैंडिडेट के लिए 0 फीस है, मतलब कोई फीस नहीं है। आपके PS कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है। ऑल कैटेगरीज फीमेल, जितनी भी महिला हैं वो ये भी इसमें फ्री हैं, उनकी कोई पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है गाइज, और अगर आप ये जो पेमेंट मोड आप पे नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो आराम से। ओके, अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पास्ट मैट्रिक लेवल हाई स्कूल एग्जाम मैथमेटिक्स इंग्लिश फॉर्म रिलेटेड स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड इन इंडिया। गाइज आपके पास 10th, मतलब कि 10th मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास 10th पास होना चाहिए आप, और आपने इंडिया से कहीं से भी आपने 10th पास कर रखी हो, आप ये फॉर्म भरने के लिए आप रेडी हो। ठीक है गाइज, नीचे देखिए अगर मैं आपकी एज लिमिट की बात करूँ, इसमें आपकी गाइज इसमें एज मांगी गई है 18 से 40 ईयर। आपकी उम्र गाइज 18 साल तो मतलब होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम 40 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। 40 ईयर हो तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो आराम से। ओके, अगर मैं आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ, इसमें आप देख लीजिए गाइज यहाँ पे 32,667 आपकी 32,677 आपकी टोटल वैकेंसीज इसमें गाइज, यहाँ पे आराम से चेक कर लीजिए, काफी सारी वैकेंसीज आपकी इसमें। आप ये फॉर्म प्लीज जरूर भरिएगा गाइज। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए अभी गाइज जो अभी ये फॉर्म आए हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश के लिए आए हुए हैं। ठीक है, जो भी यूपी में, मतलब इसका जो क्राइटेरिया रहेगा आपकी जो जॉब आएगी यूपी में आएगी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइज उत्तर प्रदेश साइकिल सेकंड, एंड आपकी टोटल पोस्ट है यहाँ पे 3,951 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे। ठीक है गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, तो इसकी जो आपकी डेट रहेगी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे 23 मार्च, मतलब गाइज आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है फॉर्म को फटाफट भर दीजिए आप। ओके, जो कि लास्ट डेट रहेगी इसमें 22 अप्रैल की लास्ट डेट रहेगी शाम को 5 बजे गाइज 22 अप्रैल को ये फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। तो गाइज फटाफट इस फॉर्म को भर लीजिएगा आप। ओके, तो गाइज मैं आपको एक बार ऑनलाइन जाके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, तो गाइज यहाँ पे साइट पे क्लिक कर लेते एक बार। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, तो देखिए यहाँ पे गाइज यहाँ पे आपका आ गया है ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक इंडिया पोस्ट। ठीक है, आप आपको अपना नाम भर लेना है और फादर नेम भर लेना, मोबाइल नंबर डाल देना। तो गाइज सब कुछ नॉर्मल बातें हैं, आपको ये सब कर लेना है, ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है ये, छोटा ही फॉर्म है। ठीक है, आप इसे आराम से भर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, या फिर आपको कुछ भी बात मुझसे पूछनी हो फिर ठीक है आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि गाइस जो मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको वीडियो टाइम टाइम से मिलती रहे।